अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग होपफुली सब ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें हंसते मुस्कुराते रहें खुशियाँ और कामयाबियाँ आपको और मेरा हम सबका मुकद्दर हो आमीन सुम आमीन इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज मैं आपको वेलकम कहूँगी वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मेरीन लाइफ स्टाइल में और जी आज जो है मैं आपके लिए क्विक और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ और ये जी पीनट्स सर्दियाँ तो वैसे भी अब एंड है और पीनट्स जो हैं इस दफ़ा मैंने जरा एक बाउल निकाल के रख दिया था पीनट्स की मैं आपको गचक बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही मजे की बनती है और मैंने कहा फ्रेंड्स जा रही हैं तो क्यों ना इसकी थोड़ा स्टोर करके इसको डिफरेंट चीज़ों में यूज किया जाए सो ये एक रेसिपी आपके साथ शेयर हूँ और साथ साथ ये कहूँगी कि इखलाक जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है आप अगर किसी से इखलाक से बात करते हैं और वो आपकी नेचर नहीं है तो प्लीज़ उसको मेंटेन रखें और अगर इखलाक आपकी नेचर है तो समझ लें आपके पास एक की है कामयाबी की जिसको कहते हैं ना नमाज जो है वो जन्नत की कुंजी है तो इखलाक की कुंजी जो है कामयाबी को कहेंगे हम सो so, अपने आप को हमेशा अच्छा रखें अच्छा सोचें पॉजिटिव सोचें हमेशा कामयाब रहेंगे आप पॉजिटिव चलेंगे तो और अगर आप किसी चीज़ को लीड कर रहे हैं ना अगर आप किसी ग्रुप को लीड कर रहे हैं किसी भी आ, आप मॉनिटर हैं क्लास के और किसी भी चीज़ को लीड कर रहे हैं तो आपका अच्छा होना खुद का बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका इम्पेक्ट पड़ेगा बाकी लोगों पर आप वैसे अगर किसी चीज़ पर हाइपर रहते हैं दूसरों पर गुस्सा निकाल रहे हैं उसका तो वो अगला बंदा आपसे दूर भागेगा तो इसलिए अपने अखलाक को अच्छा करें आज का ये मैसेज है तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो अच्छा जी आज मैं आपको चिक्की बनाना सिखा रही हूँ आपको पीनट्स लेनी है और उनको छील लेना है और उसके बाद लाइट फ्लेम पे आप उसको रोस्ट कर लेंगे और इसको रोस्ट आप ऑलमोस्ट वन मिनट करेंगे इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद ये जलना शुरू हो जाती हैं ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं तो आपने ना इसको जलाना है ना ही ब्राउन करना है जस्ट आपने वन मिनट करना है इसको रोस्ट और वो भी लाइट फ्लेम पे जैसे ये हार्ड होना शुरू होंगी आप इसको निकाल लीजिएगा और इसके बाद इसको हल्का सा ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है इसको जस्ट टुकड़ों में इसको हमने चेंज करना है इसको आप कूट भी सकते हैं इसको बड़ी नाइफ़ से काट भी सकते हैं इसमें आपको जस्ट थ्री चीज़ें चाहिए होंगी बटर और गुड़ और आपको पीनट्स चाहिए होंगे और इसके अलावा आप कुछ और भी नट्स में यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं ये वन टी मैंने बटर लिया हुआ है और वन कप पीनट्स ली हैं और वन कप मैंने गुड़ लिया है जो कि मैंने उससे अच्छे से क्रश कर लिया था और आपने ये याद रखना है कि शक्कर नहीं लेनी गुड़ लेना है और गुड़ में इसका सही जो है पेस्ट बनेगा और प्रॉपर चिकी बनेगी और जी सबसे पहले आप पैन लें उसमें वन टेबल स्पून आप बटर ऐड कर दें कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट गुड़ डालते हैं और उसमें पानी के दो घूंट डाल देते हैं और जिससे वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है तो बटर में भी आप करेंगे तो अच्छा रहेगा और पानी में भी अगर करेंगे तो ठीक है इट्स ओके नो प्रॉब्लम आप जी um, इसमें बटर आ, मेल्ट कर लें पैन में उसके बाद आप गुड़ डालें जो कि आपने निकाला है और मैश कर लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैंने इसका फ़ाइन पेस्ट बना लिया था गुड़ का और फिर उसके बाद इसको आ, मेल्ट होने दें और मेल्ट आपने बिल्कुल लाइट फ्लेम पे करना है इसको ज़्यादा मतलब फ्लेम आपने नहीं करनी क्योंकि ये होगा कि फिर उससे जलना शुरू हो जाता है ये हमने इसको जलाना नहीं है बस इसको अच्छे से मेल्ट करना है और फिर उसके बाद इसको पकाना है और फिर आपको ज़रूरत महसूस हो कि ये थोड़ा सा मतलब गाढ़ा होना शुरू हो रहा है या मतलब ऑब्वियसली गाढ़ा तो हमने इसको करना है लेकिन फिर भी आप अगर जहाँ भी ज़रूरत महसूस करें थोड़ा सा पानी आप एक घूंट ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे जो है मैं इसको चेक कर रही थी एक आप पानी छोटा सा बॉल लें उस पर पानी डाल दें एक से दो घूंट और उसमें चेक करके देखें थोड़ा सा और अपने हाथ पे कि ये सॉफ़्ट है या मतलब क्रंची हो रहा है अगर तो सॉफ़्ट होगा तो आपने दोबारा इसको अच्छे से पकाना है क्योंकि इसको अच्छे से पकाएंगे फिर इसको पानी में डालेंगे और उसके कुछ सेकंड बाद आप देखेंगे तो अगर तो वो क्रंची होगा तो फिर रेडी है यहाँ पे जी ये बिल्कुल रेडी हो चुका था और मैंने इसको जो है पीनट्स इसमें डाल दी थी और इसको मैं फिर अच्छे से मिक्स कर रही करी और जो है अच्छे से आपने भी मिक्स करना है आप अगर बना रही हैं तो, तो आपने भी इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आपने एक बोर्ड लेना है उसके ऊपर ऑयलिंग करनी है और ऑयलिंग के बाद आपने इसको लगा देना है यहाँ पे जी ऑयलिंग के बाद आप जो है जो आपने पेस्ट अपना जो चिक्की तैयार की है वो आप यहाँ पे इस बोर्ड पे बड़े सीक्वेंस के साथ अच्छे से, से सेट करके रख देंगी ताकि आपको जब कटिंग करें और उसके बाद उसको निकालें तो आपके लिए आसानी हो जाए सो यहाँ पे जी मैंने इसको बोर्ड पे निकाल लिया था सबसे पहले ऑयलिंग हुई इसके ऊपर और उसके बाद मैंने निकाला और इसको इस तरह से टैप किया और आप इसको जो बेलन होता है और आप उससे भी कर सकते हैं उसको थोड़ा सा फाइन बनाने के लिए इसकी जो लेयर होती है और फिर उसके बाद आप ऐसे कटिंग कर दें उसकी जैसे मैंने ब्लॉक्स में कटिंग कर दी है इसकी और उसके बाद इसको एक घंटे के लिए आप रख देंगे एक घंटे के बाद मैं आपकी आपको इसकी लिख दिखाती हूँ ये जी एक घंटे के बाद मैंने इसको इसके पीसिस को निकाल लिया था और ये इसकी फाइनल लुक है और सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी है कि ना ये इतना ज़्यादा हार्ड था और ना इतना सॉफ्ट ये मिड में रहा है और बहुत अच्छा रहा है और मुझे बहुत पसंद आया ये मैंने आइसलैंड से ये एक बार ली थी चिक्की बार जिसको गचक भी बोलते हैं तो मैंने खाया तो सॉफ़्ट मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने कहा इसको मैं ख़ुद भी ट्राई करूँगी घर में और जब मैंने बनाई तो माशा वो कहते हैं न प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट पर्सन सो तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए प्रैक्टिस के बाद आप ज़रूर एक शेफ़ तो बन ही जाएंगे क्योंकि अगर आपको शौक़ और लगन है तो जी तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको होपफुली पसंद आया होगा एक झटपट सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और जो है माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान शरीफ आने वाले हैं और उसके लिए भी तैयारी जो है करनी है इंशाल्लाह जल्दी ही वो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और अच्छे अच्छे व्लाग्स आपको देखने को मिलेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और एम डॉट आई फैशन कलेक्शन मेरा इंस्टाग्राम का पेज है उसको फॉलो कीजिए केक्री बाय महरीन ये भी आपको इंस्टाग्राम पे मेरा पेज मिलेगा आप इसको फॉलो कर सकते हैं और जी मेरी फाउंडेशन है अलखुशी फाउंडेशन आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे सो so, अपनी प्यारी इसी दुआओं में शामिल रखिएगा मेरे दिल से आपके लिए दुआएं हैं मेरे सब वेल विशर्स के लिए अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे आपको अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करें और आपके पेरेंट्स का साया मेरे पेरेंट्स का साया हम सब पे हमेशा कायम रहे आमीन सुम्मा आमीन इसी प्यारी सी दुआ के साथ जो है इजाज़त चाहूंगी आपसे और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़